हाय गाइस, सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फर्स्ट क्राई में जो ऑर्गेनाइज़र अवेलेबल है डिफरेंट स्टोरेज के लिए आपके बेबीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़े से ये ऑर्गेनाइज़र मुझे प्राइजी लगे हैं, क्योंकि कुछ तो बहुत ही ट्रेंडी है तो उसके हिसाब से प्राइस मुझे ठीक लगा, बट कुछ नॉर्मल भी हैं जो आपको बाकी जगहों पर काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं वो स्कूल बस शेप में एक स्टोरेज बॉक्स है, जिसमें आप टॉयज़ बुक्स बच्चों की ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं ये एक अलमीरा टाइप है या छोटा सा कैबिनेट है, दो कलर में है, प्लास्टिक का है बट काफ़ी प्राइजी भी है, तो आप ये भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। टू कंपार्टमेंट्स का है। देन एक ये वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, जिसमें फोर ड्रॉर्स रहेंगे और काफ़ी अच्छे रहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन ये काफ़ी ट्रेंडी है आजकल, अगर आप अपने बच्चों का किड्स रूम बनाते हैं थीम के अकॉर्डिंग, तो बॉयज़ के लिए ये ब्लू में है और पिंक में भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं टॉयज़ वगैरह डालने के लिए, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये थोड़ा प्राइजी है और ये प्लास्टिक में है, तो इसमें प्लास्टिक बिन्स रहेंगे। देन आप देख सकते हैं ये भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में एक डिफरेंट आइडिया है, बहुत ही सुंदर लुक है, वाइट में है, डिफरेंट प्राइस रेंज में है और प्लास्टिक ही हैं, तो मतलब कन्वीनियंट तो है, ट्रांस शिफ्टिंग के टाइम पे आपको ईजी रहेंगे ये निकाल के, आप इसको कर सकते हैं फिर से पूरा असेंबल, तो इजी है बट प्राइजी है ये, पर लुक बहुत अच्छी आएगी थीम के अकॉर्डिंग अगर रूम्स सजाने हैं बच्चों के। तो ये जो ऑप्शन है आजकल यही चल पड़ा है, मतलब बच्चों के रूम को अलग सी थीम देने के लिए, या इवन आप हॉल में बच्चों के टॉयज़ रखते हैं तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं भले प्राइजी है ये वाला बट लुक बहुत अच्छा लेता है, तो ये थोड़ा प्राइस रेंज में रहेगा ये जो दिखा रही हूँ ये वाला, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है बच्चों का और कार्टून्स भी बने होते हैं, जैसे कि बच्चे आजकल घर में ही रहते हैं तो काफ़ी उनको मतलब रूम भी उनका अच्छा सा होना चाहिए ताकि उनका भी मन लगे। सो ये आप देख सकते हैं एक बुक शेल्फ की ऑप्शन है, अगर आप जैसे आजकल घर से ही स्कूल हैं बच्चों के तो इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सब कुछ सामने रहेगा तो उनको भी इजी रहेगा। सो ये एक बच्चों का ऑर्गेनाइज़र है फन टाइम, मतलब टॉयज ऑर्गेनाइज करने के लिए है, बट थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा प्राइजी है। ऐसे सेम आइकिया में या इधर भी मैंने आपको फर्स्ट प्राइ में ऑप्शन दिखाई, वो कम है हाफ प्राइस के हैं, ये वाला बहुत ही प्राइजी है। देन ये सिंपल ऑर्गेनाइज़र रहते हैं, बॉक्स शेप में होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं रूम में बच्चों के ऑर्गेनाइज़ किए हुए, इवन आपका बच्चों का सेपरेट रूम नहीं है तो हॉल्स वगैरह में भी काफ़ी प्यारे लगते हैं, उनके टॉयज़ एक जगह पड़े रहते हैं, मतलब आप डाल सकते हैं और एक बॉक्स में होने के कारण अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। देन नेक्स्ट ये वाले ऑर्गेनाइज़र आप देख सकते हैं, जिनमें पॉकेट्स रहती हैं, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र होते हैं ये और काफ़ी यूज़फुल रहते हैं डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। We'll be right back.
तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो होता है, अगर आपको साड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी हो या बच्चों का भी कुछ रखना हो तो बहुत अच्छा रहता है। बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें इजीली आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इवन बेड के नीचे भी स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ही अच्छा लगा न्यूली बॉर्न जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके कपड़े इतने छोटे होते हैं तो इसमें आप ऑर्गेनाइज़ इजीली कर सकते हैं और इवन आपने ट्रैवल करना है तो भी लेके जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र मैंने आइकिया से लिया था इस टाइप का, वो काफ़ी बड़ा है, मतलब इसमें 4 कंपार्टमेंट हैं, उसमें शायद 6 कंपार्टमेंट है। हुनर के कपड़े मैं उसी में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है।